खबर यह है, शाहीन बाग का रास्ता निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकारों की टीम शाहीन बाग में इस वक्त डटी हुई है, मौजूद है। वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन वहां पर मौजूद हैं। दोनों ने पहले तो कोर्ट का आदेश पढ़ा और लोगों को समझाया, आंदोलन के हक की बात कही, लेकिन इस वक्त बात शुरू होने से पहले ही नहीं हो पा रही है। आपको बता दें, वार्ताकारों की अपील है कि मीडिया बाहर जाए। वार्ताकारों की ओर से कहा गया है कि मीडिया कर्मियों को बाहर किया जाए, तभी बात हो सकेगी, लेकिन प्रदर्शनकारी मीडिया के सामने ही बातचीत पर अड़े हुए हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं शाहीन बाग की। लगातार बातचीत आगे कैसे बढ़े, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जो वार्ताकार पहुंचे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, उनका ये कहना है कि मीडिया बाहर जाए, जबकि प्रदर्शनकारी मीडिया के सामने ही बातचीत पर अड़े हुए हैं। शाहीन बाग में 66 दिन से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकारों को यह जिम्मा सौंपा गया है कि वो आपसी बातचीत से सुलह का रास्ता निकालें। बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। शाहीन बाग में बात कैसे बनेगी, शाहीन बाग में मीडिया की मौजूदगी पर इस वक्त गतिरोध जारी है। मीडिया के सामने बात नहीं करना चाहते हैं वार्ताकार, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो मीडिया की वहां पर मौजूदगी चाहते हैं। एक बार सुनते हैं किस तरह से लोगों को समझाने की कोशिश इन दोनों ही वार्ताकारों की ओर से शाहीन बाग में की गई है। अगर हम आराम से बैठ जाए, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम सबको सुनने आए हैं और हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश हमारा जो देश है, भारत देश जो है, हिंदुस्तान इसलिए है कि हम हर एक की बात की इज्जत करते हैं, एक दूसरे की बात की इज्जत करते हैं, सुनते हैं, आराम से बात है कि नहीं है, है ना? तो आप चाहेंगे कि आप हमसे बात करें? अगर आप नहीं चाहेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट को बोल देंगे, वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं, तो हम भी चाहते हैं आपसे बात करें, ठीक है? हम ऐसे हार निकालेंगे, हम ऐसा हार निकालेंगे और मुझे ये पूरी उम्मीद है, मुझे मेरा विश्वास है, हम ऐसा हार निकालेंगे कि ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए लेकिन पूरी दुनिया के लिए वो एक मिसाल बन जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये आपका आंदोलन जो है, जो ये आपका हक है, राइट टू प्रोटेस्ट, समझते हैं ना, आंदोलन करने का जो आपका ये हक है, ये बरकरार है। और जो ये लॉ है CAA, इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो आपके आंदोलन का हक है ये छिन जाए। आपके आंदोलन करने का हक बरकरार रहना चाहिए। साधना रामचंद्रन जो कि वरिष्ठ वकील हैं, उनको आप सुन रहे थे। बात से ही बनेगी बात, लेकिन इस वक्त मीडिया को लेकर पेच फंसा हुआ है। सीधे रुख करेंगे शाहीन बाग का। चिराग गोठे हमारे संवाददाता इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चिराग, अभी क्या हो रहा है शाहीन बाग में? जो रोज की बात है, जहां तक हम समझे हैं, तो ये कह रही है कि हमने तो एक चौथाई जो रोड है वो घेरा हुआ है। चिराग, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो, पीछे की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए, साथ ही बताइए कि अभी क्या चल रहा है, बात बने क्या, मीडिया कर्मियों की मौजूदगी रहेगी, उनको बाहर जाने के लिए कह दिया गया है, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? चिराग, 150 मीटर में है,
देखिए अभी यहाँ पर संवाददाता के पास दोबारा हम चलेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल बीच का रास्ता कैसे निकलेगा। 66 दिन गुजर चुके हैं। आपको बता दें, एक तरफ सरकार के नुमाइंदों का इंतजार था शाहीन बाग के लोगों को, लेकिन कोई पहुंचा नहीं। इन सब के बीच हमने देखा बड़े बड़े नेताओं की ओर से शाहीन बाग को लेकर किस तरह के बयान दिल्ली चुनावों के दरमियान देखे गए। लेकिन अब सवाल बड़ा है, शाहीन बाग में चूंकि वार्ताकार पहुंचे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से, जिन्हें निर्देशित किया गया है रास्ता निकालने के लिए बातचीत के जरिए, हल वो सुझाएं, लेकिन क्या बातचीत के जरिए स्थिति सामान्य हो जाएगी, प्रदर्शनकारी वहां से उठ जाएंगे। ये दोनों ही चेहरे जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक तरफ संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन, क्या इनकी बात मान लेंगे प्रदर्शनकारी? अपने आप में ये बड़ा सवाल है। शाहीन बाग में प्रदर्शन में बातचीत को पहुंचे हुए हैं ये नियुक्त, जिनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। बातचीत लगातार जारी है, जो महिलाएं बैठी हुई हैं बीते 66 दिनों से उनको समझाने की कोशिशें की जा रही हैं। साधना रामचंद्रन को आपने सुना साफ तौर से ये कहते हुए कि अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो हमें बताइए, हम बातचीत करने आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आए हैं, लेकिन अगर आप बातचीत नहीं करना चाहते तो हम कोर्ट के भीतर जाकर ये कह देंगे कि वहां के जो प्रदर्शनकारी हैं वो बातचीत को तैयार नहीं। हालांकि बाद में प्रदर्शनकारियों की ओर से कहा गया कि नहीं, हम बातचीत को तैयार हैं। एक बार फिर से सुनते हैं इन दोनों ही वार्ताकारों को कैसे समझाने की कोशिश शाहीन बाग में बैठे प्रदर्शनकारियों को हो रही है। हमारा जो देश है, भारत देश जो है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान इसलिए है कि हम हर एक की बात की इज्जत करते हैं, एक दूसरे की बात की इज्जत करते हैं, सुनते हैं, आराम से बात है कि नहीं है? है ना? तो आप चाहेंगे कि आप हमसे बात करें? अगर आप नहीं चाहेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट को बोल देंगे, वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं तो हम भी चाहते हैं आपसे बात करें, ठीक है? और हम ऐसा हार निकालेंगे, और मुझे ये पूरी उम्मीद है, मुझे मेरा विश्वास है, हम ऐसा हार निकालेंगे कि ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए लेकिन पूरी दुनिया के लिए वो एक मिसाल बन जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये आपका आंदोलन जो है, जो ये आपका हक है, राइट टू प्रोटेस्ट, समझते हैं ना, आंदोलन करने का जो आपका ये हक है, ये बरकरार है। और जो ये लॉ है CAA, इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो आपके आंदोलन का हक है ये छिन जाए। आपके आंदोलन करने का हक बरकरार रहना चाहिए। साधना रामचंद्रन, वरिष्ठ वकील को आप सुन रहे थे, लगातार वहां पर मौजूद महिलाओं को समझाने की वो कोशिश कर रही हैं। उनका ये कहना है, ये दावा है कि दरअसल बातचीत के जरिए वो ऐसी स्थिति में पहुंचेंगी कि कम से कम पूरे देश के लिए मिसाल बनेगा। लेकिन बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी, अभी तो पेंच मीडिया कर्मियों को लेकर ही उलझा हुआ है। चिराग गोठी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। चिराग, बातचीत कहां तक पहुंची? यही से चिराग, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? चिराग गोठी हमारे संवाददाता की वहां पर मौजूदगी है, लेकिन चूंकि भारी भीड़ शाहीन बाग में बीते 66 दिनों से ये प्रदर्शन जो लगातार चल रहा है, आपको बता दें दोनों ही वार्ताकारों की ओर से बातचीत की जा रही है। वार्ताकारों ने मीडिया को बाहर जाने की अपील की है। उनका ये कहना है कि प्रदर्शनकारियों से बातचीत के बाद सारी जानकारी मीडिया को बाद में मुहैया करा दी जाएगी, लेकिन वहां पर जो प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं वो ये मानने के लिए तैयार नहीं। साधना रामचंद्रन जो वार्ताकार हैं उनका ये कहना है कि हम यहां कोई फैसला करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहां पर प्रदर्शनकारियों को सुनने आए हैं, आपसे बातचीत करने आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार आए हैं। CAA का भी वो जिक्र करती हुई यहां पर दिखाई देती हुई, लेकिन बार बार इस बात पर बल देती हुई कि प्रदर्शन आपका हक है, लेकिन इसके साथ उस रास्ते को लेकर आप जो याचिकाएं कोर्ट के भीतर लगाई गई हैं उस पर भी लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। एक और वार्ताकार वजाहत हबीबुल्लाह बस थोड़ी देर में शाहीन बाग पहुंचने वाले हैं। उनके पहुंचने के बाद क्या बातचीत की दिशा नए सिरे से आगे बढ़ेगी, ये भी अपने आप में देखना दिलचस्प और महत्वपूर्ण होगा। लेकिन यहां पर देखिए लगातार साधना रामचंद्रन मुस्कुराकर प्रदर्शनकारियों को यह समझाने की कोशिश कर रही हैं कि आपका प्रदर्शन करना हक है, लेकिन इससे लोगों को जो परेशानी हो रही है वो ठीक नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने बीच का कोई रास्ता निकले आपसे बातचीत करने के लिए हमें यहां पर भेजा हुआ है। और लगातार इन वार्ताकारों की ओर से यही बातें वहां पर कही जा रही हैं। संवाद सत्र में अभी तक क्या कुछ हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपके खिलाफ नहीं है, लोगों को पब्लिक सुविधा का भी हक मिलना चाहिए, इस
इसके साथ ही इस बात का जिक्र साधना रामचंद्रन ने किया है जब वो लोगों से मुखातिब होकर उनको समझाने की कोशिश कर रही थी। आपके आंदोलन करने का हक बरकरार रहे, आपके आंदोलन को लेकर किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं है, हक वहां तक हो जहां तक दूसरे का हक ना छीना जाए, यानी कि जो लोग उन रास्तों से होकर गुजरते हैं उनकी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं। इसी वजह से हम यहां पर आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं बार बार साधना रामचंद्रन और संजय हेगड़े की ओर से यही समझाने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से आपको सुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है मीडिया को हटाने को लेकर क्या वहां पर बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि प्रदर्शनकारी मानने के लिए तैयार नहीं है, वो चाहते हैं मीडिया की वहां पर मौजूदगी रहे क्योंकि उनको लगता है मीडिया के जरिए देश भर में उनकी बातें भी पहुंचेंगी, लेकिन वार्ताकार नहीं चाहते। अब सवाल यह है कि जब आज के दौर में हर एक हाथ में वीडियो कैमरे वाला मोबाइल हो, हर एक बात रिकॉर्ड होती हो, बैठे हुए मंच पर और यहाँ पर मंच पर बैठकर जो है तमाम बातें जो है यहाँ पर जो पक्षकार की तरफ से की जा रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक तरह से कहा जाए नुमाइंदगी है वो अपनी अपनी बातें यहाँ पर रख रहे हैं। और यहाँ पर सबसे पहले दादियों ने बोलना शुरू किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो सीए का विरोध करते हैं, यहाँ पर तमाम बातें समझाने की कोशिश की गई। जो यहाँ पर रामचंद्रन जी हैं उनका साफ साफ कहना था कि उन्होंने तकलीफों के बारे में बताया कि, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो उनके हक की बात करने यहाँ पर आई हैं और वो किसी तरह का कोई फैसला लेने नहीं आई हैं, वो यहाँ की जो बातचीत है वो सुप्रीम कोर्ट को बताएंगी और उसके बाद जो है स्थिति और स्पष्ट की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को आखिरी फैसला लेना है, फैसला यहाँ पर जो पक्षकार है वो लेने नहीं आए हैं, वो सिर्फ यहाँ की जो नुमाइंदगी है, जो यहाँ लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं उनसे एक तरह से कहा जाए बातचीत करने के लिए आए हैं, ताकि यहाँ जो लोग हैं वो अपनी बात यहाँ पर रख सकें, उनके दिल जहन में जो बातें हैं, जिस तरह से वो पीड़ा झेल रहे हैं वो बातें अपनी यहाँ पर बता सकें। इसी वजह से जो दोनों पक्षकार हैं, चाहे वो संजय हेगड़े हों चाहे वो रामचंद्रन हों, दोनों ही इसी वजह से यहाँ पर आए। और सबसे पहले उन्होंने लोगों से यहाँ बातचीत करनी शुरू करी, शुरुआत में मीडिया को यहाँ पर पीछे की तरफ कर दिया गया है, लेकिन फिर भी हम आपको अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जबरदस्त भीड़ है और यहाँ पर आज काफी लोग जमा हुए हैं क्योंकि उनको सबको यही पता था कि आज पक्षकार आएंगे। और यहाँ आप देखिए जो बात पसंद आ रही है, चाहे वो पक्षकार ये हो चाहे वो दूसरे पक्ष के लोग, तालियां बजा रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ बैठकर ये बता रहे हैं कि वो यहाँ पर क्यों बैठे हैं, इसकी वजह क्या है, वो तमाम बातें यहाँ पर बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि उनको शौक है यहाँ पर बैठने का, लेकिन जो कानून है उसके विरोध में वो लोग आए हैं, वो अपना पक्ष यहाँ पर रख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो पक्षकार हैं वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट तक उनकी जो बात है वो लेकर जाएंगे, बताएंगे सुप्रीम कोर्ट को कि यहाँ जो लोगों के जहन में है वो क्या बातें हैं, जो महिलाओं के जहन में वो क्या बातें, तमाम बातें जो है वो बताएंगे यहाँ पर। और इसी वजह से यहाँ पर अभी जो है एक तरह से कहा जाए जो दौर है बातचीत का वो चल रहा है। सबसे कभी पक्षकार जो है वो अपनी तरफ से लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, कभी यहाँ पर जो जो लोग हैं यानी जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वो अलग, क्योंकि काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं यहाँ चित्रा, एक ग्रुप नहीं है, जो अलग अलग तरीके से अपनी बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जो दूसरा पक्ष है, जो दोनों ही पक्षकार हैं वो स्टेज पर बैठे हैं और यहाँ पर जो जो लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। अभी तक महिलाओं ने बात रखी है, दादियों ने अपनी बात रखी है और यहाँ पर जो उनकी बातों का तमाम लोग समर्थन भी कर रहे हैं, यहाँ पर तालियां बजाकर उनका समर्थन किया जा रहा है बातों का। तो अब यही बात है कि ये तमाम बातें जो हैं जो पक्षकारों की है, जो यहाँ पर पक्षकार सुन रहे हैं, चाहे वो महिलाओं से सुन रहे हों चाहे वो बुजुर्ग महिलाओं से सुन रहे हों, तमाम ऐसी बातें हैं वो अब लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक और वहाँ उनको बताया जाएगा सुप्रीम कोर्ट को कि किस तरह से यहाँ लोग जो है सोच रहे हैं और लोगों के दिलों जहन में क्या है। उसके बाद अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है, ये बात साफ है। और यहाँ पर फिलहाल तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पर, और आज क्योंकि सभी को पता था कि यहाँ पर जो है पक्षकार आएंगे, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे, शाहीन बाग के तमाम लोग यहाँ पहुँचे थे और उनका सबका ये कहना था कि वो भी सुनना चाहते हैं कि आखिर जो यहाँ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पक्षकारों तक क्या बात पहुँचाते हैं और पक्षकार किस तरह से उनकी बातों को सुनते हैं। तकरीबन ये कहा जा सकता है चित्रा एक घंटे का दौर हो गया और ये बातचीत लगातार अभी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, बातचीत जो है अलग अलग जो पक्षकार हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं और वो बताने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि उनको क्या क्या तकलीफें हो रही हैं। लोगों का ये भी कहना है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था इस पूरे मसले को लेकर कि जाके बातचीत की जाए, जो पक्षकार है वो जाके बात करें, जो और यहाँ लोगों ने काफ़ी इस बात का स्वागत भी किया था। जब मैं शुरुआत में यहाँ दो तीन दिन से हम लगातार पहुँच रहे थे, यहाँ प्रोटेस्टर्स काफ़ी खुश थे, उनका कहना था कि एक अच्छी बात है। और आप देख सकते हैं जो उनको बात पसंद आती है यहाँ पर लोग तालियाँ बजाते हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग जमा हैं और तकरीबन एक से डेढ़ घंटा हो गया यहाँ पर पहुँचे हुए और यहाँ पर बातचीत जो है वो
अपने जो भी उनके दिलो जहन में जो शंकाएं हैं एनआरसी को लेकर सीएए को लेकर, वो तमाम बातें यहां पर जो पक्षकार हैं उनको बताने की कोशिश की जा रही है। पक्षकार भी बड़े ध्यान पूर्वक जो है तमाम बातों को सुन रहे हैं, और उनका सब जब शुरुआत में पक्षकार आए थे उनका यही कहना था कि इस पूरे मसले पर वो यहां पर बहुत इत्मीनान से आए हैं। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं चिराग, लगातार हमारे दर्शक ये तस्वीरें भी देख रहे हैं। देखिए चार अलग अलग तस्वीरें, 66 दिनों से ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। वहां पर बैठी महिलाएं भी चाहती हैं कि कम से कम प्रदर्शन अब खत्म हो, लेकिन उनकी ओर से आप सबने देखा होगा 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर बुलाने की अपील की गई थी। वो चाहती हैं सरकारी वार्ताकार भी वहां पर पहुंचे ताकि सीए एनपीआर और एनआरसी को लेकर उनकी स्थिति जो उनकी मांगे हैं उस पर सरकार कम से कम अपना पक्ष रख सके। एक बार फिर से आपको बताते चले, शाहीन बाग में बात तो चल रही है, लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल, बातचीत के जरिए बीच का कोई रास्ता निकल जाएगा क्या? क्योंकि एक तरफ प्रदर्शनकारी हैं, दूसरी तरफ वार्ताकार हैं। मीडिया को हटाने की बात जो वार्ताकार पहुंचे हैं उनकी ओर से कही जा रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि मीडिया की मौजूदगी में ही सारी बातचीत होनी चाहिए। लेकिन इन सबके बीच असदुद्दीन ओवैसी का निशाना सीधे सरकार पर है। एक बार उनको सुन लेते हैं, उसके बाद दोबारा लेकर चलेंगे आपको शाहीन बाग। हमको गम और गुस्सा इस बात का है कि मजहब के नाम पर कानून बनाकर मुसलमानों से नाइंसाफी की जा रही है। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ये बोलते कि ये सिटीजनशिप देता है, लेता नहीं है। मोदी से मत डरिए, खुल के मुखालिफत करिए सीधा वाले कानून की। नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज लाइंग टू द होल नेशन। नरेंद्र मोदी आसाम की एनआरसी में जो 5 लाख मुसलमान के नाम नहीं आए उनको सिटीजनशिप नहीं देगी सीधा वाले से। उनसे कहा जा रहा है कि आप फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाकर अपना मुकदमा लड़िए, अगर ट्रिब्यूनल में हार जाते तो हाई कोर्ट में लड़िए, और अगर हाई कोर्ट में हार जाते तो सुप्रीम कोर्ट में लड़िए, और जब तक हम आपको डिटेंशन कैंप में रखेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि इन कितनी बड़ी झूठ हमारे वजीर आजम कह रहे हैं। आसाम के जो नॉन मुस्लिम है उनको CAA से सिटीजनशिप दी जाएगी और जो मुसलमान है उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। मैं चैलेंज करके आज बीजेपी और तमाम लोगों को बोल रहा हूं, क्या ये बात सच है या झूठ है बोल दो। मैं प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज कर रहा हूं, मैं अमित शाह को चैलेंज कर रहा हूं, मैं जो कुछ यहां पर कह रहा हूं क्या ये सच है या झूठ है आप कल बयान कर दो। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लगातार आज तक आप तक पहुंचा रहा है, शाहीन बाग का रास्ता निकालने के लिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकारों की टीम शाहीन बाग में मौजूद है। वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन वहां पर पहुंची हुई हैं। दोनों ने पहले तो कोर्ट का आदेश पढ़ा, विस्तार से समझाया वहां पर मौजूद लोगों को, आंदोलन के हक की बात कही, लेकिन इस वक्त बात शुरू होने से पहले ही नहीं हो पा रही है। दरअसल वार्ताकारों ने अपील की मीडिया बाहर जाए तभी बात हो सकेगी। प्रदर्शनकारी मीडिया के वहां पर मौजूदगी की बात पर अड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि मीडिया कर्मियों के सामने ही बातचीत हो। आपको बताते चले बीते 66 दिनों से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है शाहीन बाग में, और सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकारों को जिम्मा ये सौंपा गया है कि वो आपसी बातचीत से सुलह का रास्ता निकाले, प्रदर्शनकारी उस जगह को छोड़े, क्योंकि जो लोग उन रास्तों का हर रोज इस्तेमाल करते हैं आते जाते हैं उनके लिए काफी ज्यादा मुसीबत, क्योंकि 45 मिनट का रास्ता 2.5 से 3 घंटे तक उन्हें तय करना पड़ता है। वहां पर मौजूदगी, भारी भीड़, प्रदर्शन की वजह से यही कारण है कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश के तहत वार्ताकारों की ये टीम बातचीत कर रही है, लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाएगा, क्या रास्ता निकलेगा, क्या सुलह समझौते के आसार इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि अभी तो मीडिया को लेकर ही पेंच फंसा हुआ है। दोनों वार्ताकारों की ओर से कैसे समझाने की अपील की गई है, कैसे कोशिश की जा रही है लोगों को मनाने की, एक बार फिर से सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये आपका आंदोलन जो है, जो ये आपका हक है, राइट टू प्रोटेस्ट, समझते हैं ना, आंदोलन करने का जो आपका ये हक है ये बरकरार है, और जो ये लॉ है सीएए इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो आपके आंदोलन का हक है ये छिन जाए। आपके आंदोलन करने का हक बरकरार रहना चाहिए।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वार्ताकारों की अपील, लगातार कोशिश सुलह समझौते की, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। सबके बीच जो तीसरे वार्ताकार हैं हबीबुल्लाह साहब, वो थोड़ी देर में वहां पर शाहीनबाग पहुंचने वाले हैं। इधर दिल्ली में सरकार के बाद अरविंद केजरीवाल ने आज पहली बार गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वैसे तो ये शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन बाद में केजरीवाल ने बैठक को अच्छी बैठक कहा। उन्होंने बताया कि दिल्ली के विकास के लिए दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। हालांकि कैबिनेट में शाहीनबाग के मुद्दे पर माथापच्ची से उन्होंने मना किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, गृहमंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात। लेकिन सवाल बड़ा ये, शाहीनबाग को लेकर भी क्या आपस में गुफ्तगू की, बीच का रास्ता वहां पर कैसे निकले? अमित शाह के चेहरे पर भी मुस्कुराहट, फूलों का गुलदस्ता देकर, बुके देकर अरविंद केजरीवाल का उन्होंने स्वागत किया। शाहीनबाग में लगातार वार्ताकारों की कोशिश है कि लोगों को मनाया जाए, ये समझाया जाए कि दरअसल उनके विरोध प्रदर्शन की वजह से जो लोग उन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, होकर गुजरते हैं, उन्हें काफी ज्यादा मुश्किलें, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से लगातार लोगों से बातचीत की कोशिश की जा रही है। जो तीसरे वार्ताकार हैं हबीबुल्लाह साहब, थोड़ी देर में वो भी शाहीनबाग पहुंचने वाले हैं। चिराग गोठी हमारे संवाददाता लगातार शाहीनबाग से हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बातचीत कहां तक पहुंची, महिलाओं की ओर से क्या बड़ी बातें वार्ताकारों के सामने रखी गई हैं चिराग, शाहीनबाग में? देखिए, यहाँ पर जो पक्षकार हैं वो अभी भी यहाँ पर एक तरह से कहा जाए बैठे हुए हैं, वो तमाम बातें यहाँ पर जो दूसरा पक्ष है यानी जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे कर रहे हैं। उनके अलग अलग, ये कहा जा सकता है कि अलग अलग ग्रुप्स में लोग जो है अपनी बातें जो है यहाँ पर बता रहे हैं और अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में मीडिया की जरूर बात आई है कि मीडिया जो है, पहले शुरुआत में जो दोनों पक्षकार आए थे उन्होंने कहा था कि मीडिया को थोड़ा दूर रखें, तो यहाँ लोगों ने विरोध किया प्रोटेस्टर्स से। उनका कहना था कि मीडिया को भी साथ ही रखा जाएगा, फिर भी अभी भी मीडिया जो है यहाँ पर मौजूद। और यहाँ पर तमाम जो हम लाइव टेलीकास्ट करके बता रहे हैं, यहाँ पर जो पक्षकार है वो क्या कह रहे हैं, यहाँ जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और तमाम तरीके से अपने अपनी यहाँ पर बातें रख रहे हैं। और यहाँ जो प्रोटेस्टर्स की बात है उनको सपोर्ट करने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्टर्स की जो बातें हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और एक तरह से कहा जाए एक आर्ग्यूमेंट और क्रॉस आर्ग्यूमेंट यहाँ पर लगातार चल रहा है। जो पक्षकार है वो ध्यानपूर्वक तरीके से तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी बातों को सुना जा रहा है यहाँ पर और कोशिश की जा रही है कि उनकी बातों को समझा जाए, जो उनकी पीड़ा है, जो उनकी बातें हैं वो यहाँ पर सुना जाए उसको, और उसके हिसाब से आगे सुप्रीम कोर्ट को ये बात कन्वे की जाए कि यहाँ जो लोग हैं उनके जो दिलो दिमाग पर जो बातें छाई हुई हैं वो बातें सुप्रीम कोर्ट को पता लगे, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट इसमें आगे अपना फैसला लेगा। अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही लेना है। यहाँ पक्षकार सिर्फ यहाँ के लोगों की बातें जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाने के लिए आए हैं ताकि जो कोई कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट ना हो और जो एकदम एग्जैक्ट सिचुएशन है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे। और आप देख सकते हैं यहाँ अभी भी पीछे काफ़ी तालियां बजा रहे हैं लोग, वो इसीलिए क्योंकि जो यहाँ पर प्रोटेस्टर्स लगातार बने हुए हैं, जो यहाँ पर प्रोटेस्टर्स लगातार एक तरह से कहा जाए बातें कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर ज्यादातर लोग उनकी बातों को सपोर्ट करते हुए यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि सॉलिडिटी के तहत यहाँ पर ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि लगातार जो प्रोटेस्टर्स जो हैं वो उनकी जो स्पीकर्स हैं उनकी प्रोटेस्टर्स की ही बात को वो रख रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि जो पक्षकार हैं वो भी सुन रहे धैर्यपूर्वक, बीच बीच में वो जरूर ये बात बोलते हैं कि वो मीडिया, शुरुआत में बोला कि मीडिया को यहाँ से थोड़ा दूर किया जाए, उसके बाद भी बीच बीच में बात बोलते हैं पक्षकार की, फिर उसके बावजूद मीडिया जो है सारी बातें जो है वो दिखा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि यहाँ पर प्रोटेस्टर्स का कहना है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो बात है वो बात वैसे ही आनी चाहिए जैसी वो बात बोलना चाह रहे हैं, जो उनके दिलो दिमाग पर जो बात है वो तमाम उसी सेंस में जो है सरकार तक पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, ताकि इस पूरे मामले में जो है वो एक तरह से कहा जाए जो सिचुएशन है वो एग्जैक्ट सिचुएशन पता लगे। तो अभी यही यहाँ पर चल रहा है, लगातार स्पीकर जो है अलग अलग, चूंकि यहाँ नुमाइंदगी काफ़ी लोग कर रहे हैं अलग अलग, पहले दादियों ने बोला, उसके बाद अब महिलाएं बोल रही हैं, उसके बाद अब देखते हैं कौन बोलते हैं और कितनी देर तक ये दौर चलता है देखने वाली बात है। तो ये लबोलबा भी कहा जा सकता है कि यहाँ जो लोग हैं वो अपने जो बातें हैं, चाहे रोड पर वो बैठे हैं वो भी उसको उसके बारे में बता रहे हैं कि वो इन रोड्स पर क्यों बैठे हैं, जो प्रोटेस्ट है, जो कानून है उसके विरोध में भी यहाँ स्वर उठ रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो ये भी समझ रहे हैं एक तरह से कहा जाए कि ये सिर्फ पीड़ा उन लोगों की नहीं है जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, ये पीड़ा उन लोगों के लिए भी है जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यानी वो हर एक पक्ष की बात यहाँ पर कर रहे हैं।
और एक तरह से कहा जाए कि वो बातें कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल यही है कि जैसे मैंने बताया चित्रा, अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही करना है कि वो इस मसले पर क्या रुख अख्तियार करता है। लेकिन यहाँ जो लोग हैं वो सिर्फ ये नहीं कि एक साइड की बात यहाँ पर बता रहे हैं, वो ये भी, उनको ये भी जहन में है जब उनसे तमाम मीडिया कर्मी पूछते हैं कि जब यहाँ पर आप बैठे हैं तो दूसरे लोग कैसे सोच रहे होंगे, उनकी पीड़ा है, तो वो ये कहते हैं कि उनकी पीड़ा हमें, आपको पीड़ा लगती है और हमारी जो पीड़ा है वो कहीं ना कहीं उसको वो पीड़ा नहीं लगती। इस तरह की बातें यहाँ पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि अब सुप्रीम कोर्ट को ही अंतिम डिसीजन करना है। पक्षकार यहाँ पर धैर्यपूर्वक तरीके से तमाम लोगों को सुन रहे हैं, महिलाएं बोल रही हैं, अपनी अपनी बातें रख रही हैं, यहाँ जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो जो है नुमाइंदगी, जैसे मैंने कहा काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं, तो ऐसे में वो अपनी बात आकर रख रहे हैं और वो धैर्यपूर्वक तरीके से जो वार्ताकार जो पक्षकार हैं वो सुन रहे हैं और उस पर जो जो बात यहाँ पर लोगों को पसंद आती है उस पर तालियां बजाई जाती है और यहाँ पर जो है उसको एक तरह से समर्थन दिया जाता है। तो ये वही लोग हैं जो बीच बीच में जो यहाँ के लोगों ने अपॉइंट कर रखे हैं, जो यहाँ पर पक्ष रख रहे हैं। तो सवाल यही है कि आप ये जो है एक तरह से कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट को करना है, तो ऐसे में जो पक्षकार है वो यहाँ पर क्या एक तरह से माइंडसेट लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वो बताएंगे कि यहाँ पर जब वो लोगों से मिले तो उनके मन में क्या पीड़ा है, सीएए के खिलाफ कितनी नाराजगी है। सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त 3 वार्ताकार शाहीन बाग पहुंच गए हैं। वार्ताकारों ने आंदोलनकारियों को अपने आने का मकसद और अदालत की मंशा भी बता दिया है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बात अभी आगे नहीं बढ़ पाई है। ये जो वार्ताकार हैं उनका ये मानना है, वो चाहते हैं कि बातचीत का सिलसिला मीडिया के बगैर आगे बढ़े, मीडिया को वहां से अलग कर दिया जाए, लेकिन आंदोलनकारी इसके लिए तैयार नहीं है। मीडिया की मौजूदगी में ही वो अपनी बातचीत करना चाहते हैं। सड़सठ दिन बाद शाहीन बाग में संवाद सत्र। तीन वार्ताकार खत्म करेंगे सबसे बड़ी तकरार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये आपका आंदोलन जो है, जो ये आपका हक है, राइट टू प्रोटेस्ट, समझते हैं ना, आंदोलन करने का जो आपका ये हक है ये बरकरार है। और जो ये लॉ है सीएए, इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो आपके आंदोलन का हक है ये छिन जाए। डायलॉग की टगर पर शाहीन बाग कितना संभल कर, शाहीन बाग की दहलीज पर नई दस्तक है। 67 दिनों से शाहीन बाग को इस पल का इंतजार था, इंतजार था कि जिनके हाथों में मुल्क का मुस्तकबिल है उनसे मुलाकात तो होगी, जमहूरियत के पहरेदारों से बात तो होगी, कोई तो होगा जो उनसे पूछने आएगा, बताओ शाहीन बाग तुम्हारी शिकायत क्या है, तुम इतने शिकवे में क्यों हो। खैर जिन्हें आना था उन्होंने तो आने की जहमत नहीं उठाई, वो 3 वार्ताकार जरूर आए जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग का रास्ता निकालने भेजा। हम सबको सुनने आए हैं और हम सुप्रीम कोर्ट के आए हैं, आपसे आप सभी से बात करने आए हैं और अगर सभी एक साथ बात करें तो हम सुन नहीं पाएंगे। संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन और वजाहत हबीबुल्ला पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने बेहद बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आवाम और सरकार के बीच अविश्वास के अंधेरे को तोड़ने और नया रास्ता तलाशने को कहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लोकतंत्र लोगों की अभिव्यक्ति से ही चलता है, लेकिन इसकी एक सीमा है, अगर हर कोई सड़क पर उतरने लगेगा तो क्या होगा, लोकतंत्र तो हर किसी के लिए है, आप प्रदर्शन करें, हमारी चिंता ट्रैफिक को लेकर है। हमारा जो देश है, भारत देश जो है, हिंदुस्तान,
हिंदुस्तान इसलिए है कि हम हर एक की बात की इज्जत करते हैं, एक दूसरे की बात की इज्जत करते हैं, सुनते हैं, आराम से बात है कि नहीं है, है ना? तो आप चाहेंगे कि आप हमसे बात करें? सबसे बड़ी अदालत की इसी चिंता के दायरे में तीन वार्ताकार शाहीन बाग पहुंचे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या शाहीन बाग का ये संवाद सफलता की मंजिल तक पहुंच पाएगा? अगर आप नहीं चाहेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट को बोल देंगे, वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं, तो हम भी चाहते हैं आपसे बात करना, ठीक है? हम नहीं चाहेंगे, और हम ऐसा हाल निकालेंगे, हम ऐसा हाल निकालेंगे। मुझे ये पूरी उम्मीद है, मुझे मेरा विश्वास है, हम ऐसा हाल निकालेंगे कि ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए लेकिन पूरी दुनिया के लिए वो एक मिसाल बन जाए। शाहीन बाग की ये तस्वीरें कम से कम इतनी उम्मीद तो दे रही हैं कि संवाद की गर्मी से अविश्वास की बर्फ टूट रही है। बातचीत के पहले पड़ाव पर हलचल है, अगर कदम ईमानदारी से बढ़े तो शायद रास्ता निकल भी आए। चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। शाहीन बाग में सुलह की कोशिशों का अंजाम चाहे जो निकले, लेकिन शाहीन बाग पर होने वाली सियासत हमेशा याद रखी जाएगी। दिल्ली विधानसभा का पूरा चुनाव शाहीन बाग के इर्द गिर्द ही रहा, जब चुनाव खत्म हो गया तो बातचीत से रास्ता तलाशा जा रहा है। मित्रों, बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। ये 8 तारीख तक रास्ते नहीं खुलने वाले, 9 को खुल जाएंगे। ये शाहीनबाग के रास्ते भारतीय जनता पार्टी खोलना ही नहीं चाहती। 67 दिनों से शाहीनबाग में यातायात ठप है, लेकिन सियासत ने यहाँ भी अपने लिए रास्ता निकाल ही लिया। शाहीनबाग में आंदोलनकारी नारे लगाते रह गए, राजनीति के तैराकों ने शाहीनबाग में डुबकियां भी लगाई और तैर कर किनारे भी पहुँच गए। संयोग देखिए कि इधर शाहीन बाग में गतिरोध खत्म करने की कोशिश हो रही थी, उधर केजरीवाल और अमित शाह की औपचारिक मुलाकात हो रही थी। इसी शाहीन बाग पर दोनों ने चुनावी घोड़े कैसे सर पर दौड़ाए थे, ये तो आपने देखा ही। आपका एक वोट पूरे देश भर में ये संदेश भेजने वाले है कि नजफगढ़ शाहीन बाग वालों के साथ है या भारत माता के बेटों के साथ। हर व्यक्ति को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन उस विरोध प्रदर्शन की वजह से आम जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। तो ये जो कई दिनों से तकलीफ हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसके तहत लॉ एंड ऑर्डर आता है, केंद्र सरकार, वो इसका समाधान क्यों नहीं कर रही है? जनता को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये केवल और केवल हर चीज के ऊपर, देश के ऊपर, देश की सुरक्षा के ऊपर, लोगों की सुविधा के ऊपर, हर चीज पे गंदी राजनीति करते हैं। दिल्ली के चुनाव में शाहीन बाग को लेकर कितने प्रयोग हुए ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद आज जब बातचीत का कारवां आगे बढ़ा है तो प्रधानमंत्री के इस हमले का जरूर जिक्र होना चाहिए। बीते कई दिनों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रदर्शन हुए, क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। 67 दिनों में शाहीन बाग के साथ सबने प्रयोग किया, विचारधारा जिसकी जो रही, प्रयोग में कोई कहीं से पीछे नहीं रहा। शाहीन बाग को मोहरा सबने बनाया, इसलिए आज वार्ताकार का दल शाहीन बाग आया तो आंदोलनकारियों ने साफ साफ कह दिया कि जो भी बात होगी खुल्लम खुल्ला होगी, कैमरे पर होगी। एक तरह से कहा जाए नुमाइंदगी है, वो अपनी अपनी बातें यहाँ पर रख रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले दादियों ने बोलना शुरू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सीए का विरोध करते हैं, यहाँ पर तमाम बातें समझाने की कोशिश की गई। जो यहाँ पर रामचंद्रन जी हैं, उनका साफ साफ कहना था कि उन्होंने तकलीफों के बारे में बताया कि, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो उनके हक की बात करने यहाँ पर आई हैं और वो किसी तरह का कोई फैसला लेने नहीं आई हैं, वो यहाँ की जो बातचीत है वो सुप्रीम कोर्ट को बताएंगी और उसके बाद जो है स्थिति और स्पष्ट की जाएगी। वार्ताकार शाहीन बाग तो पहुंच गए हैं, लेकिन इस राह में अभी तमाम रोड़े हैं। शाहीन बाग का संकट इतनी जल्दी तो खत्म होता नहीं दिख रहा। चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।
बातचीत लगातार जारी है, बीच का रास्ता कब और कैसे निकलेगा इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। और अब आगे बढ़ते हुए एक दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुनर हाट में बिहारी व्यंजन लिट्टी चोखा का लुत्फ उठाया, जिसकी ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें, लगातार उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लिट्टी चोखा चूंकि बिहार का व्यंजन है, बिहार के लोग ही ज्यादा इसको खाते हैं, और इसी साल नवंबर में बिहार में होने हैं विधानसभा के चुनाव। ये वो बिहार है जिसने 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीटें एनडीए को दे दी थी, सिर्फ एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में गई थी। उस बिहार जहां पर इस बार विधानसभा के चुनाव होने हैं, 2015 में चूंकि जेडीयू और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ी थी, बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी रही थी, हालांकि बाद में जेडीयू के साथ मिलकर बीजेपी ने अपनी सरकार तो वहां पर बनवा ली। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए दरअसल बिहारी वोटरों में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की जा रही है। आप देखिए लिट्टी चोखा का लुत्फ उन्होंने कैसे उठाया, चेहरे पर मुस्कुराहट। आमतौर पर हम सब जानते हैं गुजराती व्यंजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्यादा पसंद है, वही उनका डेली आहार, लेकिन यहां पर लिट्टी चोखा का लुत्फ उठाते हुए नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर जो जमकर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हुनर हाट की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए थे, कई लोगों से उन्होंने बातचीत भी की अपने हुनर के जरिए। आप देख रहे हैं छोटी छोटी जो दुकानें लगी हुई हैं, उन तमाम दुकानदारों से बातचीत भी वो करते हुए। वहीं दूसरी तस्वीर चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ लिट्टी चोखा, और जाहिर तौर पर जब लिट्टी चोखा की तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के साथ सामने आएंगी तो उसका सीधा कनेक्शन जोड़ा जाएगा बिहार की राजनीति से, जहां पर अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के होने हैं चुनाव। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, वहां पर डिप्टी सीएम है सुशील मोदी, और अपनी इन तस्वीरों के जरिए बिहारी वोटरों को भी रिझाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कम जरूर की जा रही होगी। बीजेपी की ओर से ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगाई गई, जिसके बाद लगातार लोग अलग अलग कैप्शन के साथ इसको जमकर वायरल कर रहे हैं। कुल्हड़ वाली चाय का भी उन्होंने मजा लिया, कारीगरों के बीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जाहिर तौर पर जिन कारीगरों के बीच में वो होंगे, जिनसे बातचीत कर रहे होंगे, उनके लिए आज कितना बड़ा दिन होगा प्रधानमंत्री को सीधे अपने बीच पाकर उनके सवालों का जवाब देते हुए।